नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह का निधन कल रात दिल्ली में स्थित उनके आवास पर हो गया है। रविवार की रात 9 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली है। बताया जा रहा कि परवीन अमानुल्लाह कैंसर से पीड़ित थी। लंबे समय से वह कैंसर से लड़ाई लड़ रही थी। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर की नमाज के बाद उन्हें दिल्ली के ही पंजपीरन कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। बताया जाता है कि परवीन अमानुल्लाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेहद ही करीबी थी। आपको बता दें कि परवीन अमानुल्लाह के पति अफजल अमानुल्लाह सेवानिवृत्त IAS अधिकारी थे। उनके पति ने गृह सचिव के पद पर भी काम किया है। नोएडा में स्थित उनके आवास पर ही उनका निधन हुआ है। दोनों पति पत्नी दिल्ली में रह रहे थे। परवीन अमानुल्लाह के निधन के बाद शोक की लहर दौड़ गई है। कई बड़े नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है। परवीन अमानुल्लाह 65 साल की थी। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने समाज के लिए कई बड़े काम किए हैं, जिसके बाद ही उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। साल 2010 से 2014 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में उन्होंने समाज कल्याण मंत्री का पद संभाला है, लेकिन इस समय उनका निधन हो गया है। बहुत ही बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। कॉमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम जरूर लिखें।